देखिए सिंपल सी एक चीज है, आप सभी ने कभी ना कभी लाइफ के अंदर खुद को लगा होगा कि सेल्फ डाउट की वजह से हम अंडर अचीव कर रहे हैं। तो सेल्फ डाउट हम सभी के अंदर कभी ना कभी जरूर आता है, और इस चीज को कैसे दूर किया जाए आज के इस वीडियो में हम लोग पूरी तरीके से जानेंगे क्या तीन मेजर प्रॉब्लम्स होती हैं और क्या उसके सॉल्यूशंस होते हैं, सब कुछ डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात आती है कि क्या प्रॉब्लम होती है सेल्फ डाउट के लिए। तो हम जब भी कभी कंपैरिजन करते हैं दूसरों से तो वहां पे सेल्फ डाउट आना निश्चित है। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग अराउंड 60% ऑफ द स्टूडेंट सेल्फ डाउट करता है, और उसकी वजह से उसके ऊपर एक प्रेशर बिल्डअप होता है, और उस प्रेशर की वजह से वो अंडर परफॉर्म करने लगता है। अब इस चीज को कैसे खत्म करना है उसके बारे में देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, जो लोग खुद पे भरोसा रखते हैं भगवान उनका साथ देता है, और जो खुद पे भरोसा नहीं रखते हैं उनका साथ कोई नहीं देता है। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम की हम लोग बात करते हैं, फियर ऑफ फेलियर। इसके अंदर भी रिसर्च का एक बहुत तगड़ा डेटा है जिसके अंदर 70% स्टूडेंट जो कि डरता है नेक्स्ट स्टेप लेने के लिए, उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन आ जाता है कोई ना कोई पास की चीजें होती है जिसमें वो फेल हुआ है और उसको करंट से रिलेट करता है, और वो कभी स्टेप ही नहीं लेना चाहता है, उसको लगेगा फेलियर आ गया तो क्या। आप मैथ्स में बहुत अच्छा करते हो, लेकिन अगर आपको बायो के अंदर एक कोई टॉपिक है जो नहीं समझ में आता है, पूरी की पूरी आप बायो को उठा के साइडलाइन कर देते हो। ये चीज़ आप सभी ने देखी होगी। ये क्यों है? क्योंकि आपको लगता है एक चीज़ में हम फेल हो गए तो बाकी सभी चीज़ों में भी फेल हो जाएंगे। तो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको डर लगता है फेलियर से, इसको कैसे हटाना है ये भी आगे देखेंगे। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन एबिलिटीज। आप सभी लोगों ने देखा होगा कि कभी ना कभी आपके पेरेंट्स ने कंपेयर कराया होगा, आप जिस टीचर से पढ़ते हो टॉपर भी तो उसी टीचर से पढ़ रहा है, आप जिस ट्यूशन में जा रहे हो वही सेम ट्यूशन में तो टॉपर भी जा रहा है, तो यहाँ पे दिक्कत कहाँ पे आ रही है? रिसोर्सेज हमने आपको सारे दे रखे हैं फिर भी आपके मार्क्स क्यों नहीं आ रहे? आपने कभी ना कभी पास्ट में अपनी एबिलिटीज के ऊपर डाउट किया था, तो डाउट करना बंद कर दीजिए अपनी एबिलिटीज को, क्यों? क्योंकि वहां पे आप सभी लोग कहीं ना कहीं खुद को नीचा दिखा रहे हो जिसकी वजह से आपके नंबर नहीं आ पा रहे हैं। तो बात करते हैं सॉल्यूशन पार्ट की कि इन तीनों प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो आप सबसे पहले प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखते हैं, कंपैरिजन। कंपैरिजन जब भी कभी आप लोग करते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वहां पे क्या करते हैं, अपना कॉन्फिडेंस लूज करते हो। उसके लिए आपको क्या करना है, मैंने लास्ट ईयर प्लस इसके पहले कई सारे बैचेस के अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई थी। इंपॉर्टेंट बात ये थी कि आप सभी लोग ट्रैकर यूज करना चालू कर दीजिए। ट्रैकर जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है वहां पे मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप के अंदर जाके ट्रैकर ले लीजिए, और उसके अंदर जब सुबह उठते हो तो एक अपना गोल डिसाइड करो, और उसके बाद लास्ट में आपने कितना अचीव किया, रात में ये जरूर देखिए, जिससे आप खुद को डेली इंप्रूव करा पाओगे। खुद का कंपैरिजन खुद ही से करना स्टार्ट करना पड़ेगा, और इसके लिए सिंपल सी चीज़ है, आप सभी लोग को एक ट्रैकर बना लेना है, और आप टाइम टेबल भी बना के उसको भी ट्रैक कर सकते हैं। सिंपल सी चीज़ है, ट्रैक करिए, जो चीज़ को आप मेजर कर सकते हो उसी चीज़ को आप जो है इवेंचुअली जाके इम्प्रूव कर सकते हैं। एक बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे और आती है कि सर हम टाइम टेबल बना तो लेते हैं, हम टाइम टेबल को इम्प्रूव नहीं कर पाते, हम उसको फॉलो नहीं कर पाते। आप जब टाइम टेबल बनाते हो तो सुपरफिशियल लेवल का बना लेते हो, तो ऐसा नहीं करना है। रियलिस्टिक जितना आप कर सकते हो उसके हिसाब से पहले बनाइए, ताकि धीरे धीरे करके उसको इम्प्रूव किया जा सके। तो समझ गए, अब से कंपैरिजन खुद से ना कि किसी और से। सेकेंड पॉइंट पे आ जाते हैं वापस, आप सभी को फेलियर बार बार लगता है कि यार हम लास्ट टाइम हो गए तो इस बार। फेलियर से हमेशा क्या करना है, सीखना है। चाणक्य ने कहा था कि जो फेलियर से सीखता है वही आगे बढ़ता है। तो आपके जब भी कभी भी कोई भी टेस्ट के मार्क्स मिलते हैं, जब भी कभी आपके किसी भी छोटे मोटे एग्जाम के मार्क्स मिलते हैं, आप उसको ट्रैक करिए, उसको देखिए, उसकी आंसर शीट उठा के कि हमने क्या गलतियां की, हम क्या यहाँ पे सही कर सकते थे। आपने अभी ट्रैकर अगर बनाया होगा उसके अंदर उठा के देखिए कि कहाँ पे हम गलतियां कर रहे हैं। तो जब भी कभी आपको क्या करना है खुद को ट्रैक, तो कोई अच्छी टेस्ट सीरीज हमेशा लेके रखिए, या फिर टाइम टाइम पे महीने में एक टेस्ट दो टेस्ट तो जरूर दीजिए,
जिससे फेलियर आएगा तो उससे बाउंस बैक करने का आपको मौका मिलेगा। तो सिंपल सी एडवाइस है, टेस्ट ज़्यादा दो और उसको आने के बाद टेस्ट को एनालिसिस करिए, क्योंकि हर कोई कहता है बार बार कि क्या करना है आपको, ट्राई करना है, ट्राई करना है, ट्राई करना है, लेकिन जीवन में ट्राई करने से केवल नहीं होता है। ट्राई करिए, एनालिसिस करिए, इम्प्रूवमेंट करिए और इस साइकिल को रिपीट पे लगा दीजिए। देखिएगा आप जो अपना गोल लेकर बैठे हुए हो उसको जरूर अचीव कर लोगे। तीसरा सोल्यूशन बात करते हैं, आपकी कैपेबिलिटीज़ के ऊपर आप जो है हमेशा डाउट करते आए हो, तो इसको कैसे रिमूव किया जाए। देखिए, जब भी कभी आपको अपनी कैपेबिलिटीज़ पे डाउट आता है तो वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, अपने हाथ में थोड़े शस्त्र उठाने पड़ेंगे। अब शस्त्र उठाने का मतलब ये नहीं कि तलवार लेके आ जाएंगे, गन लेके आ जाएंगे। आपके पास जब भी पढ़ाई करने बैठ रहे हो तो वहाँ पे कुछ ना कुछ ट्रिक्स लेके आओ, कुछ ना कुछ टिप्स लेके आओ। तो क्या होगा, जो आपके क्लास में बाकी बच्चा कुछ अलग तरीके से पढ़ रहा होगा, आप जब ट्रिक से पढ़ोगे तो आपको लगेगा यार ये मुझे ज़्यादा आसानी से आ गया। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है ना वो बूस्ट होगा। अपने टीचर से पूछिए कि सर कौन सी ट्रिक्स यहाँ पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं, सर इसकी कोई ट्रिक तो नहीं है, तो इससे आप ऑक्यूपाइड हो जाओगे बहुत सारी अच्छी ट्रिक्स से और वो आपका शील्ड की तरीके से काम करेगा, वो आपकी एबिलिटीज, आपका जो खुद का आत्मनिर्भरता है उसको बढ़ाता रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जिस सब्जेक्ट में डर लग रहा है, फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर की बात कर लेते हैं, लूपिंग में बार बार डर लगता है, तो मैं हमेशा आपको क्या कहता हूँ, उसको बार बार एग्जीक्यूट कराओ, बार बार ड्राई रन कराओ। कंप्यूटर का डर जैसे हम लोग निकाल सकते हैं वैसे बाकी सब्जेक्ट्स का भी निकाल सकते हैं। तो सिंपल सी चीज़ है, हम ट्राई करते हैं कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, यही आपकी जो कैपेबिलिटीज़ है, जो आपको लगता है कि मैं नहीं कर सकता, उसको कन्वर्ट करेगा मैं कर सकता हूँ। तो सिंपल सी चीज़ है, अब से आपको क्या करना है, स्टार्ट कर देना है, एक रूटीन बनाइए, ट्रैकर लीजिए, रूटीन बनाइए और उसको ट्रैक करना स्टार्ट कर दीजिए। अपनी कैपेबिलिटीज़ पे भरोसा करना स्टार्ट कर दीजिए, कैसे, कुछ ट्रिक्स सीखिए, कुछ टिप्स लीजिए और लगातार खुद को डेली प्रैक्टिस करके अपना एनालिसिस करिए, उसके बाद इम्प्रूवमेंट करिए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होगा। बाकी आपको क्या लगता है कि आप इसको कब से करना स्टार्ट कर दोगे, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे आती है कि अगर आप अभी भी नहीं स्टार्ट कर रहे हो तो कब स्टार्ट करोगे, क्यों, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत बढ़िया करो और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जो भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो बहुत बढ़िया करोगे। थैंक यू, प्रतीक शर्मा साइनिंग ऑफ।